तो ये देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म पकौड़े बन के हो गए हैं रेडी खाने। फ्रेंड्स बड़ा मजा आता है जब ऐसे ना किसी को ऐसे तरसाने का। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत जो ख़राब है, कोल्ड हो गई है मुझे। तो देखिए हिमाचल में बारिशों से कंटिन्यू यहाँ पे बारिश लगी हुई है हिमाचल में। तो मैंने सोचा कि ना बारिश का मौसम है तो आज गर्मा गर्म पकौड़े बनाए जाए और साथ में कड़ी पकौड़ा बनाया जाए। आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ कितनी ज़ोरों से बारिश लगी हुई है। देखिए बारिश का मौसम, कल से कंटिन्यू इसी तरह से बारिश लगी हुई है। स्टार्ट करते हैं आज बना कड़ी पकौड़ा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पकौड़े का बैटर भी रेडी हो चुका है। हर किसी को पता ही है कि पकौड़े का बैटर कैसे बनाया जाता है। और यहाँ पे मैंने दही को छाछ बना के उसमें बेसन भी ऐड कर दिया है। तो मेरे यहाँ पे कड़ी बनने के लिए भी रेडी है और यहाँ पे पकौड़े बनाने के लिए भी। और यहाँ पे मैंने तड़का भी रख दिया है होने के लिए कड़ी के लिए। और यहाँ पे फ्राई पकौड़े फ्राई करने के लिए भी ऑयल रख दिया है। क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ ही करूँगी मैं, ऐसा नहीं करूँगी कि पहले पकौड़े बनाऊँगी फिर कड़ी बनाऊँगी, ऐसे टाइम कंज्यूम होता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ जब तक मेरी कड़ी बन के रेडी होगी, क्योंकि पकौड़े तो एंड में ही डालने होते हैं। अनियन डाल दिया मैंने फिर इसमें। क्यों ना बारिश का मौसम है तो नमक, हल्दी, अब हल्दी नमक भी डाल दिए मैंने इसके बीच में। अब इसको अच्छे से पकाऊंगी। यहाँ पे जो पकोड़े का ऑयल जो वो अभी गर्म हो रहा है, जब भी गर्म होगा तो मैंने पकोड़े भी साथ साथ में फ्राई करना स्टार्ट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स मैं कड़ी बना रही हूँ और कड़ी पत्ता लाना ही भूल गई, तो जल्दी से कड़ी पत्ता भी तोड़ लेते हैं। ये है देखो कितना सारा कड़ी पत्ता ना हो तो मज़ा नहीं आता। ये कितना सारा कड़ी पत्ता ले लिया मैंने यहाँ पे। पहले करूँगी इसे वॉश फिर डालूंगी तड़के में। तो फ्रेंड्स ये डाल दिया कड़ी पत्ता के बीच में। अब इसे मैं अच्छे से फ्राई होने देती हूँ। बस तड़का रेडी है कड़ी का। अब मैं इसमें डाल दूंगी कड़ी, मतलब कि जो छाछ में बेसन तैयार किया हुआ ना वो डाल दूंगी इसके बीच में। तो अब टर्न है डालने की लस्सी, इसमें मैंने बेसन भी मिक्स किया हुआ है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा और पानी, क्योंकि थोड़ी सी ठीक लग रही है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बस कड़ी को तड़का मेरा लग गया है। अब मैं इसे स्टिर करती रहूँगी तब तक जब तक इसमें उबाल आना ना स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पे मेरा पकौड़े का भी ऑयल जो है वो हो चुका है, तो मैं अब इसमें फ्राई करूँगी पकौड़े। तो बस अब इसे इस तरह से चलाते रहना है तब तक जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए एक, वरना अगर हम इसे इस तरह से स्टिर नहीं ना करते रहेंगे तो ये जो है वो डर रहता है छाछ के फटने का, इसलिए इसे इस तरह से चलाते रहना पड़ता है जब हमें कड़ी बनानी होती है। तो यहाँ पे कड़ी जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए थक गई मैं इसे इस तरह से स्टे करते करते। अभी पकौड़े भी फ्राई करने हैं, लेकिन अभी ना बजे हुए हैं 10:30। मैंने दोपहर का खाना जल्दी बना लिया क्योंकि मुझे और भी काम करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी जल्दी दोपहर का खाना बना लें। जो वो बॉयल हो रही है और यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ फ्राई करने को। तो इस तरह से लीजिए और वन बाय वन डाल देना ये। यम्मी यम्मी पकौड़े फ्राई होते हुए, बाहर है बारिश का मौसम, मज़ा आ जाएगा आज खाने में। तो ये देखिए पकौड़े बन चुके हैं। कड़ी में डालने के लिए भी कुछ मैंने खाने के लिए रखे हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म पकौड़े बन के हो गए हैं रेडी। फ्रेंड्स मेरे को पता क्यों नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ बिल्कुल भी हेल्प नहीं करवाते हैं। बारिश का मौसम और खाने का मजा करते नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो जो हेल्प ना करवाए उसको पकौड़े के, उसको कुछ भी नहीं देना चाहिए। मैं नहीं दूंगी कुछ, मैं अपने लिए रखूंगी। हाँ टेस्टी टेस्टी पकौड़े, मजा आएगा। पकौड़े ना मैं कड़ी में डाल देती हूँ, क्योंकि कड़ी भी ठंडी हो चुकी है अब। ये देखिए, तो अब मैं कुछ पकौड़े कड़ी में डाल देती हूँ। पहले मैंने थोड़ी देर ही ठंडी होने दी, फिर डाल ली, क्योंकि जब गर्म गर्म होना तब नहीं डालने चाहिए, क्योंकि ये ना घुल जाते हैं पकौड़े, फिर मज़ा नहीं आता इसे खाने का। तो ये देखिए फ्रेंड, वाह डिलीशियस कड़ी पकौड़ा। अब ये मैंने ढक कर रख दिया इसे, तो अब मैं राइस बनाऊंगी, वो मैं दोपहर में बनाऊंगी। अब मैं होगी फ्री दोपहर की कड़ी पकौड़ा बना के, अब मैं खा लेती हूँ जो कड़ी जो पकौड़े बचे हुए हैं। पापा को मैंने पहले दे दिए थे खाने के लिए। पापा को पता नहीं कैसे खुशबू आ जाती है पकौड़ों की, तो शॉप पे, और इनको तो मैंने देने नहीं है। टाइम है मेरा स्टडी का, तो मैं स्टडी कर लेती थोड़ी देर बाद, फिर मिलती हूँ आपके साथ थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स स्टडी करने के बाद लंच करने का टाइम हो गया है। पापा जी और उन्होंने लंच कर लिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी लंच कर लूं, टेस्ट करके देखती हूँ कैसी लग रही है कड़ी। मजा आ गया बारिश में कड़ी पकौड़ा खाने का। तो फ्रेंड्स तब तक मैं करती हूँ लंच, तो सभी को बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो जाने से पहले वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो बेल आइकन भी दबाएं। तो सभी को बाय-बाय एंड टेक केयर।